हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एन नेचुरल नंबर प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम काफी पॉपुलर है और बेसिकली ये सॉल्व कैसे होती है, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमें कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो हमें 10th नंबर मतलब 10वां नंबर निकालना है। 10वां नंबर, 10वां नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां नंबर क्या होगा, यहाँ पे तो 10 ही 10 हो गया, अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी कंडीशन और है कि हमें nth नंबर निकालना है, nth नेचुरल नंबर निकालना है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एलिमेंट है वो सारे डिलीट कर देने हैं, जिसमें 9 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है, वो सारे एलिमेंट डिलीट कर देने हैं। यानी कि हम यहाँ पे 9 को डिलीट कर, मैं पहले तो इसको आगे तक लिखता जाता हूँ, 11 12 13 14 डॉट डॉट डॉट। हमें 10वां नंबर निकालना है, 10वां नंबर निकालना है हमें 9th एलिमेंट वाले सारे एलिमेंट को डिलीट करने के बाद। तो 9 को हमने डिलीट कर दिया, हम गिनते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9 10। तो हमारा रिजल्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 11। तो हमें इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पे हमें जिस जिसमें भी 9 अवेलेबल है उन सब 9 को हटा के देना, 9 को डिलीट कर देना। उसके बाद जो 10वां नंबर होगा या फिर जो nthवां नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पे 20वां नंबर बताइए, तो 20वां नंबर क्या हो जाता, 22 हो जाता। क्यों, क्योंकि ये 9 हट जाता और 19 हट जाता, दो नंबर हट जाते तो हमें दो नंबर आगे बढ़ना पड़ता, तो 20 के आगे दो नंबर एक कम किए तो दो आगे बढ़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो आप इसको सोचिए, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, पहला तो तरीका मतलब मैं जो तरीका बताऊंगा उससे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम क्या करते हैं, पहले तो हम नंबर देख लेते हैं, उनमें से हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि कितनी जगह पर 9 आया है, और हम उतने नंबर बढ़ा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि यहाँ पे 2 बार आएगा तो हम 2 नंबर बढ़ा देंगे, 20 से 22 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अब मान लीजिए हम बोलते हैं 28 वाला नंबर बताइए, 28 वाला नंबर कौन सा होगा, तो हमें पता है कि 28 के पहले 2 बार 9 आया, एक तो 9 आएगा एक तो 19 आएगा, हमने 2 हटा के इसमें ऐड कर दिया तो 30 आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन 30 आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 30 तक जब जाएंगे तो यहाँ पे 29 भी इंक्लूड हो गया, उसको भी डिलीट करना पड़ेगा, तब आंसर आ जाएगा 31। तब तो प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ हो गई, क्या कि हमें सबसे पहले तो 9 को ढूंढना है, और 9 मिल जाए उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हम बढ़ा रहे हैं नंबर उसमें भी 9 कितनी जगह आ रहा है उसको भी डिलीट करना है। लेकिन इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है हर 10 नंबर में 1 बार 9 आता है, लेकिन जब हम बात करें कि जो 90 के बाद 99 तक 9 आते हैं, तो वहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी 1000 में, फिर पूरा का पूरा 900 से लेके जो आपका 901 902 903 ये पूरा का पूरा 1000 तक जाएगा, उसमें 999 ही रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, फिर आप फाइंड नहीं कर पाएंगे कितने बार 9 आया है। तो ये तो थी जनरल अप्रोच कि हम ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रॉब्लम थोड़ा दूसरी तरीका का है। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमाया गया, बेसिकली क्या कहने का क्या मतलब है कि 9 को रिमूव करना, 9 होना नहीं चाहिए, 9 होना नहीं चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है नंबर कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि 10 क्या होता है, 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से 10 बनता है, तो टोटली नंबर कितने होते हैं 10, और उसमें से हमें 9 को हटाना है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस किस से बन के बना होगा, 0 से लेकर 8 तक के बीच में बन के नंबर से मिलके बना होगा, तो बस यहीं पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अब ये हमारा जो जो नंबर होता है डेसिमल नंबर हम जिसको कहते हैं, ये हमारा क्या है, 10 बेस 10 होता है, आपने देखा पढ़ा होगा बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या होता है जिसमें 0 और 1 होते हैं। अगर हम बात करें कि बेस 3 या ट्राइनरी नंबर क्या होगा, 0 1 एंड 2 बेस 3, अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर बेस 8 करते हैं तो क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक होंगे। ऐसे ही बेस 9 की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 8 तक हमारा एलिमेंट नंबर आने चाहिए, तो जाहिर सी बात है 9 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इसका बेस 9 निकालना है, तो बेस 9 निकालते हमें वो नंबर मिल जाएगा। जैसे हम बात करें 100 है, तो 100 को हम ये अभी किसमें है, बेस 10 में है, तो हम इसको बेस 9 में फाइंड आउट कर लेंगे। बेस 9 में फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है किसी भी चीज को, जैसे हम बाइनरी में मान लीजिए हमें 5 को बाइनरी में डिवाइड, 5 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते थे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करते थे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे कितना बचता था 2, यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता था यहाँ 1 लिखते थे, फिर 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 1 बचता था, यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, और फिर इसको उल्टा लिख देते थे तो 1 नॉट 1, ये हमारा क्या होगा,
5 को लिखने का तरीका हो गया। अब हम यहाँ पे 10 को, अभी मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचा हूँ, तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप टेंशन ना लीजिए, अभी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचा हूँ। अब सेम तरीके से हम यहाँ पे हम बात करेंगे, हम 10 को निकालेंगे, 10 की वैल्यू निकालेंगे, जहां पे हमें 9 को हटाना है तो हम 9 बेस में निकालेंगे, यानी कि जो नंबर है 0 से लेकर 9 से मिलकर बनाया 10, हम इसको क्या करेंगे, बेस 9 पे शिफ्ट करेंगे। अभी ये बेस 10 पे, बेस 9 पे शिफ्ट करेंगे, तो क्या करते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर को किसी भी बेस पे शिफ्ट करना हो तो उसी बेस से हम डिवाइड करते जाते हैं, रिमाइंडर को लिखते जाते हैं। तो यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 से 1 टाइम जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 9 से जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, और इसको हम फिर उल्टा लिख देंगे तो आ जाएगा 1 1, हमारा 11 हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए हम सेम तरीके से हम 20 को करके देखते हैं, 20 में 22 हमारा आंसर आता है, 20 को करके देखते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर 9 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 2, इसको उल्टा कर देंगे 2 2। अगर हम यहाँ पे 23 की बात करें, 23 को देखें, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 9 18, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 5, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे तो इसको जब उल्टा लिख देंगे तो 25। तो अगर हम 23 की बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अगर हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसमें 9 अवेलेबल ना हो, इसका मतलब क्या है, वो नंबर किस से मिलकर बनेगा, 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक मिलकर बनेगा। ठीक है, तो 0 से लेके 8 से मिलकर बनेगा, इन कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें 9 को रिमूव नहीं करना है, 9 को ढूंढना नहीं है कि कितनी जगह 9 है, उनको रिमूव करें फिर उतना ऐड करें, हमें सिंपली उसको बेस 9 में कन्वर्ट कर देना है, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो जितने भी नंबर यहाँ पे 9 वाले नंबर है वो सारे हट जाएंगे, उतना ही उसके करस्पॉन्डिंग नंबर आगे वाला नंबर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा एक बड़ा नंबर है उसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे जाता हूँ। मान लीजिए हम सॉल्व करने वाले हैं 5 या फिर चलिए 9 8 7 9, तो यहाँ पे आगे आना चाहिए, मान लीजिए 8 72, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो हम 9 से डिवाइड करें, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसे मैं छोटा सा ले लेता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 ले लेता हूँ। अब इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, पहले तो इसका बेस 9 निकाल लेते हैं, तो मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 बन जाए 9 बचे 13 तक जाएगा ये, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा आई थिंक 30, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 6, और फिर इसने यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 टाइम, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे फिर से 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं नीचे से ऊपर, तो 1 4 1 4 6, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 146 हमारी वैल्यू आएगी 9 वाले डिजिट को हटाने के बाद। अब 1 हम ये तो निकाल लेंगे तो हमें रिमाइंडर तो आराम से मिल जाएगा, तो हमें रिमाइंडर पहले कौन सा मिलेगा, ये वाला रिमाइंडर मिलेगा, फिर ये वाला रिमाइंडर मिलेगा, फिर ये वाला रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन हमें ये 146 ये हम कैसे निकालेंगे, हम इसको यहाँ तो हमने बता दिया कैसे रिवर्स लिखना है, इसको रिवर्स रखने का सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और ऐसे ही इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, ये 0 बढ़ाते जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दें, अगर और आगे होते तो उससे हम मल्टीप्लाई करते जाते, अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1 146। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, वो नंबर निकालना है, उसको 9 से हमें उसको 9 बेस में कन्वर्ट करना है, तो हर टाइम पे हमारे पास ये रिमाइंडर, बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर को हमें ऐड करते जाना है अपने रिजल्ट में, और हमें उसका क्वेश्चन निकालना है, यानी कि उसको डिवाइड करके निकालना है, तो डिवाइड करके जो बचेगा फिर से हमें उसका रिमाइंडर निकालना है, जो रिमाइंडर आएगा, अब रिमाइंडर को ऐड नहीं करना है, रिमाइंडर को 100 से मल्टीप्लाई करके है, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर नेक्स्ट टाइम पे 100 से मल्टीप्लाई। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कौन से रिमाइंडर को 0 से 1 से मल्टीप्लाई करना है, कौन को 10 से, किसको 100 से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम इस वैल्यू को ले लेंगे फिक्स, कि हम सबसे पहले टी की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो पहला रिमाइंडर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा रिमाइंडर आएगा
तो दूसरे रिमाइंडर में जो टी की वैल्यू है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 40। अब टी की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें टी में फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो टोटल 146 रिजल्ट आ जाएगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे कोड लिख दे रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कोड है, वो लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इतना छोटा सा कोड है, कोड बहुत छोटा सा है। अब देखिए इसी एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते जाते हैं वन बाय वन। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक टेम्परेरी वैल्यू ले लिया, टी ले लिया, वैल्यू ले ली 1, और रिजल्ट जो हमारा आया, रिजल्ट हमने शुरुआत में 0 से इनिशियलाइज कर लिया। बेस हमें पता है, बेस हमारा क्या है 9 है, हमारा बेस क्या है 9 है। अब हमने क्या किया, जब तक हमारा n हमारा क्या है वो नंबर है, जैसे यहाँ पे हमें दिया था 123, तो 123 जब तक कि 0 नहीं हो जाता तब तक हमें ये लूप चलाना, करना क्या है हमें रिजल्ट में, अभी रिजल्ट हमारा कितना है 0, उसमें क्या करना है हमें, अभी तो 0 है तो 0 अभी हमारे पास है, उसमें हमें क्या करना है रिमाइंडर निकालना। तो यहाँ पे हमने ये देखिए रिमाइंडर निकाला 123, यानी n गेट रिमाइंडर बेस, बेस कितना है 9, तो 123 और बेस कितना है 9, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 निकाला, मल्टीप्लाई किसका किया टी का, टी कितना है 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल 6 आ गई। अभी हमारे पास 6 है, उसके बाद हमने क्या किया n को n से डिवाइड करके जो वैल्यू निकाली n डिवाइड बाय बेस, यानी कि 9 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 13 आएगा, जो कि हमारी ये नेक्स्ट वैल्यू है, जो अगली बार हमारे पास n बन के आएगा, n हमारा नया n कितना हो गया 13 हो गया। और हमने t को क्या किया, t से मल्टीप्लाई किया तो t कितना हो गया हमारा, t यहां पे 10 हो गया। अभी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अगली बार किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने फिर से क्या किया, n 0 से बड़ा है तो फिर से हमने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, रिजल्ट की वैल्यू है 6 प्लस, रिजल्ट की वैल्यू है 6, उसमें ऐड क्या करना है रिजल्ट में हमें फिर से इसका बेस से गेट रिमाइंडर रिमाइंडर निकालना है, तो n कितना अभी 13 है और बेस कितना है 9, तो हम रिमाइंडर निकाले कितना आएगा 4, तो 4 और मल्टीप्लाई किसका होना है तो हमें यहां देख सकते हैं टी का, टी कितनी है 10, तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 × 6, तो 40 + 6 तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 46, रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई 46। फिर से क्या होगा, n हमने यहां पे फिर से n को अपडेट किया तो n की वैल्यू कितनी हो गई डिवाइड बाय करेंगे तो यहां पे n की वैल्यू हो गई 1, और यहां पे t कितना होगा, t में फिर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अभी हो जाएगा 10 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 100। अब नेक्स्ट टाइम पे फिर से लूप चलेगा, फिर से हमारे पास रिजल्ट अभी कितना था हमारा 46, अभी हमने कैलकुलेट किया था 46 प्लस, अब रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हम यहां से फिर से निकालेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारा 1 × t का मल्टीप्लाई होगा, t कितना है t अब 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 100 + 46 तो 146, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको कोड लिख के बताया, बहुत छोटा सा कोड है तो आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कई बार आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आपको 9 ना रिमूव करके इस तरीके से बोल दिया जाए कि फाइंड द nth नेचुरल नंबर विच हैज बेस 6, तो अब इसमें 9 की जगह क्या आ जाएगा 6, या फिर यहाँ पे बोल दिया जाए बाइनरी फॉर्मेट में तो यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा 2, अगर यहाँ पे आ जाएगा कि आपको बेस 8 रखना तो यहाँ पे बेस कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे जनरली आपको क्वेश्चन 9 के साथ ही आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन उस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, अगर आपको बता दिया बेस में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसान हो जाएगा, तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि 9 को रिमूव करना है, अब आप सोचते रहेंगे कितनी बार 9 आया उसको रिमूव करें फिर उसमें ऐड करें फिर उसमें जो 9 आया उनको रिमूव करें, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन इसको बेस के जो हम इसको बेस समझ में आ गया आपको यहाँ इसका बेस क्या है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर दीजिए, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।